बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माय नेम इज़ अमारा एंड आई एम लेक्चरर ऑफ कॉमर्स हेयर इन कंकोडिया कॉलेज सियालकोट। एंड द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज़ अबाउट मशीन्स, ऑफिस मशीन्स, जो कि हमने पहले भी शुरू किया हुआ था ऑफिस मशीन्स का चैप्टर। उसमें हमने आज जो पढ़ना है, हमारा जो टॉपिक है वो है मुतफरिक मशीनें। या अगर आपके पास इंग्लिश की बुक है तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर लिखा होगा मिसलिनियस मशीन्स। तो ये टॉपिक आज हमने पढ़ना है और हम देखते हैं कि ऑफिस में कौन सी ऐसी मशीन्स हो सकती हैं जो कि हम यूज़ करते हैं डेली बेसिस पे। जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि हमारे पास डुप्लिकेटिंग मशीन्स होती हैं, कॉपिंग मशीन्स होती हैं, इसी तरह से हमारे पास कम्युनिकेशन मशीन्स होती हैं। और उसी तरह से जो आज हमारा टॉपिक मिसलिनियस मशीन्स का है, वो हमने देखना है कि कौन कौन सी जो मशीन है हमारे पास ऑफिस में मिसलिनियस मशीन्स के तौर पर, मुतफरिक मशीनों के तौर पर अवेलेबल होती है। उसमें सबसे पहले देखें, सबसे पहला है फोल्डिंग मशीन। ठीक है, फोल्डिंग मशीन के बारे में ही हमें क्या बताती है कि फोल्डिंग मशीन की मदद से खतूत को तय किया जाता है। फोल्डिंग मशीन का इस्तेमाल उन दफातर में ज़्यादा होता है जिन दफातर की हतो किताबत बहुत ज़्यादा होती है। फोल्डिंग मशीन एक मिनट में 100 तक खतूत को तय कर सकती है। ठीक हो गया ना, यानी कि हम लोग आमतौर पर जो हमारी कॉरेस्पॉन्डेंस होती है ऑफिस में, जितनी भी हमारी कॉरेस्पॉन्डेंस होती है, हमने हतो किताबत करनी होती है, तो ज़ाहिर है हमने जो हमारे लेटर्स हैं उनको हमने फोल्ड करके, तो उसके बाद हमने एनवलप में उनको रखना होता है। तो एनवलप में जाने से पहले जाहिर है उनकी फ़ोल्डिंग जो है वो ज़रूरी होती है। तो फोल्डिंग मशीन हमें इस चीज़ में हेल्प आउट करती है कि हमारे जितने भी लेटर्स हैं उनको ये फ़ोल्ड कर देती है और फिर इससे हम उनको आसानी से जो है एनवलप में डाल सकते हैं। तो इस तरह से जो फोल्डिंग मशीन है ये हमारे लिए खतूत को तय करने में हेल्पफुल साबित होती है। इस तरह से आप देखें स्टेपलर मशीन। स्टेपलर मशीन क्या है कि स्टेपलर मशीन कागजात को यकजा करने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है ना, आपको पता है कि स्टेपलर, मतलब हर एक को इस चीज़ का आइडिया, आप लोग यूज़ करते हैं डेली बेसिस पे स्टेपलर, कि स्टेपलर में जो है स्टेपलर में पिंस डालते हैं आप लोग। ठीक है, स्टेपलर्स में हमने पिन डालनी होती है, पिंस का वो एक पैकेट होता है जिसको कि हम यूज़ करते हैं, उसकी मदद से वहाँ से पिंस लेके हम स्टेपलर मशीन में पिन डालते हैं। और उसमें पिंस डालने के बाद फिर अगर हमने जिन पेपर्स को भी एकजा करना होता है, इकट्ठा करना होता है, कंपाइल करना होता है, उनको आपस में जोड़ने के लिए फिर हम स्टेपलर मशीन को यूज़ करते हैं और पेपर्स को स्टेपल कर देते हैं। जब हम पेपर्स को स्टेपल कर देते हैं तो वो एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से स्टेपल हो जाते हैं और फिर हम उनको जैसे भी हम ने उनको सेव करना है हम उनको सेव कर लेते हैं। यानी हमारी इंपॉर्टेंट फाइल्स को मैनेज करने के लिए, उनको नंबर वाइज रखने के लिए और उनको अकॉर्डिंग टू द डेट उनको कंपाइल करने के लिए भी स्टेपलर मशीन यूज़ होती है कि हम उनको स्टेपल कर देते हैं डेट वाइज या नंबर वाइज, तो उससे भी हमारे जो हमारा डाटा है वो एक्यूरेटली कंपाइल हो जाता है। इस तरह से थर्ड देखिए, कागजात में सुराख करने वाली मशीन, जिसको कि हम पंचिंग मशीन भी कहते हैं। और आपको पता है कि पंचिंग मशीन जो है आमतौर पे हम यूज़ करते हैं जब हमने फाइल्स वगैरह में अपने पेपर्स लगाने होते हैं, तो फिर हमारे पास पंचिंग मशीन होनी चाहिए कि जिससे हम पेपर को पंच करते हैं और फिर पंच करते हैं तो उसमें दो सुराख हो जाते हैं और उसके बाद हम उसको किसी भी फाइल में या फोल्डर में लगा सकते हैं। तो ये इसका फ़ायदा है कागजात में सुराख करने वाली मशीन का, पंचिंग मशीन का, कि हम इजीली उससे पंच करके पेपर को तो फाइल में उसको हम लगा सकते हैं। कि जैसे यहाँ पे भी हमें बताया जा रहा है कि अगर कागज़ को फाइल में रखना मकसूद हो तो कागजात में सुराख पंचिंग मशीन की मदद से निकाले जाते हैं। और कागजात में सुराख करने वाली मशीन दो तरह की होती है, एक मशीन की बदौलत सिर्फ एक सुराख कागज़ में होता है जबकि दूसरी मशीन की बदौलत कागज़ में दो सुराख होते हैं। तो आमतौर पर हम वही पंचिंग मशीन यूज़ करते हैं जो आपने देखी भी होगी ऑफिसेज में या हमारे स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह में भी, अकाउंट ऑफिसेज में आपने देखी होगी कि पड़ी होती है कि जिससे एट अ टाइम दो जो हैं उसके अंदर पेपर के अंदर होल्स हो जाते हैं, तो वो है हमारी पंचिंग मशीन। तो फोर्थ नंबर पे जिस मशीन का हमारे साथ इस बुक में जिक्र किया जा रहा है, बताया जा रहा है, वो है नंबरिंग मशीन। अब नंबरिंग मशीन में जो है बेसिकली इस मशीन की मदद से बिलों, रसीदों और दीगर जो हमारे कागजात या दस्तावेजात हैं उन पर सिलसिलावार नंबर लगाए जाते हैं। ठीक है ना, कि जब किसी कागज़ पर या रसीद या बिल वगैरह पर आपने नंबर लगाना होता है तो वो फिर इस मशीन को प्रेस करके आप उसको मार्क कर देते हो, उसको नंबर लगा देते हो। तो ये आपको इसका फ़ायदा होता है कि नंबरिंग आपके लिए आसान हो जाती है, आपको मैनुअली नहीं करनी पड़ती, बाय हैंड नहीं करनी पड़ती, बल्कि ईजिली आप इस मशीन के जरिए नंबरिंग जो है वो कर लेते हैं। इसी तरह से देखें फिफ्थ नंबर पर जिस मशीन का आप जिक्र हमारे साथ किया गया है वो आप देखें
सीलिंग मशीन, कि सीलिंग मशीन खतूत पार्सल और बंडलों को बंद करने के बाद उन पर मोहर लगाने के लिए जो है आमतौर पर इस्तेमाल होती है। इसे बंडल पर सिलाई की भी की जाती है इसे, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है कि जब हमने कोई बंडल सील करना होता है, ठीक है ना, जब हमने अपना कोई बंडल जो है उसको इस तरह से सील करना होता है कि कोई उसको वो ओपन ना हो जाए और उसमें से जो कोई चीज़ हमारी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो बाहर ना निकल जाए, ठीक है। तो उसमें फिर हम इस सीलिंग मशीन को यूज़ करते हैं कि इसके ज़रिए हम क्या करते हैं कि अपने उसको बंडल को सील कर देते हैं, लॉक कर देते हैं और फिर हमारे जो पेपर्स वगैरह हैं उससे बाहर नहीं निकलते, ठीक है ना। जैसे देखिए यहाँ पर बताया भी हुआ है कि पार्सल या बंडलों वगैरह को बंद करने के लिए सीलिंग मशीन यूज़ होती है। उसके बाद देखिए चेक लिखने वाली मशीन, सिक्स पे आपको चेक लिखने वाली मशीन के बारे में बताया गया है। ये मशीन आमतौर पर चेक और ड्राफ्ट पर रकम लिखने के लिए इस्तेमाल में आती है। चेक लिखने वाली मशीन की लिखाई साफ और वाजह होती है और इसमें लिखाई को बदला नहीं जा सकता। इस मशीन के इस्तेमाल से धोखादही और जो कोई फेक या जालसाजी है उससे आप बच जाते हैं, क्योंकि ये मशीन ऐसी होती है कि ऑटोमेटिक आपने जस्ट उसको रखना होता है अपने पेपर को और ये उसके ऊपर टाइप कर देती है जो भी उसकी चेक की अमाउंट होती है, जो भी इस तरह से चीज़ें वगैरह होती हैं। तो ये यहाँ पे एक चीज़ है कि आप इस चेक लिखने वाली मशीन के ज़रिए नीटनेस और आपका जो चेक है वो नीट लिखा जाता है और अच्छा लिखा जाता है और उस पर किसी किस्म का कोई फ्रॉड या फेक जो चांसेस हैं उस चीज़ के वो नहीं होते। उसके बाद देखें कि तारीख़ की मोहर, कि तारीख की मोहर होती है तो दूसरे दस्तावेज़ात पर तारीख वगैरह दर्ज करने के लिए इस्तेमाल होती है कि आपकी आमतौर पर ये एक स्टैम्प होती है जिसके ऊपर की डेट लिखी होती है और उसके ज़रिए फिर आप जो है अपने डिफरेंट पेपर्स के ऊपर डेट मेंशन कर लेते हैं और उसमें भी किसी किस्म का कोई मसला या किसी किस्म की कोई दिक्कत पेश नहीं आती कि आपको हैंड से डेट लिखनी पड़ेगी या इस तरह से। आप जस्ट वो अपना स्टैम्प यूज़ करते हैं और उसके ज़रिए आप डेट्स को जो है वो मेंशन कर देते हैं। उसके बाद देखें आपको बताया गया है जिस मशीन के बारे में बात की जा रही है वो है टिकट छापने वाली मशीन, ठीक है ना। कि टिकट छापने वाली मशीन देखें, इसकी हम दूर की एग्जांपल हम क्या लेते हैं, हम सबसे नियरेस्ट इसकी एग्जांपल लेते हैं जो कि मज़े की भी है और जो हमने देखी भी है कि आमतौर पर जब हम किसी पार्क वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे आपको पता है ना कि डिफरेंट झूले होते हैं और हमने उनकी टिकट्स लेनी होती हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, टिकट्स की मशीन होती है ना उनके पास, के जो टिकट जो है वहाँ से हमें मिल जाती है और इजीली हम वहाँ से टिकट परचेज करके, तो जो हमने झूला लेना होता है हम उसको उतनी अमाउंट की वो टिकट होती है और वो उसको हम दिखा के जो भी हमारा होता है उसका ऑनर होता है उसको टिकट दिखा के तो हम वो ले लेते हैं। तो इसी तरह से देखिए यहाँ पे भी हमें वही बताया गया है टिकट छापने वाली मशीन के अंदर कि बड़े बड़े कारोबारी इदारों में जहाँ बहुत ज़्यादा हतों की दावत होती है वहाँ टिकट छापने वाली मशीन की मदद से हतूत पर टिकटें लगाई जाती हैं, ठीक है ना। अब ये डिफरेंट है, ये भी टिकट्स हैं लेकिन ये थोड़े से डिफरेंट टिकट्स हैं कि हमने लेटर्स पर टिकट्स लगानी होती हैं, ठीक है ना। तो वो फिर ये मशीन लाइसेंस हासिल करने पर डाकखाने से हासिल की जा सकती है कि आमतौर पर पोस्ट ऑफिस से आपको ये मशीन मिलती है और जब टिकट छापने वाली मशीन का मीटर इस्तेमालियत पर पहुँच जाता है तो ये मशीन खुद ब खुद जो है वो खुल जाती है और इसको दोबारा ज़ेरे इस्तेमाल लाने के लिए डाकखाने की खिदमात जो है हासिल की जाती हैं। तो ये जो है इस काम है कि आप इसको पोस्ट ऑफिस से परचेज कर सकते हैं जो कि आपके जहाँ से आपको ये मिलेगी और उसके बाद आप अपने लेटर्स पे जो है इजीली टिकट्स को लगा सकते हैं। उसके बाद देखिए नंबर 9 पे जिस चीज़ के बारे में, जिस मशीन के बारे में आपको बताया जा रहा है वो है डाक खोलने वाली मशीन। डाक खोलने वाली मशीन जो है बेसिकली ये बहुत ही केयरफुल इस तरीके से हमने इसको करना होता है कि ज़रा सी भी लापरवाही से डाक खोलने से डाक को नुकसान पहुंचने का खतरा होता है। कि आमतौर पे मतलब आपका जो इसको हम मेल ओपनर भी कहते हैं और ये होता है कि फिर इसमें जो भी आपका लेटर वगैरह या जो भी चीज़ होती है उसके फिर फट जाने का खतरा होता है या जो भी आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको मेल किया जा रहा है और वो आपको क्योंकि फिर इस मशीन के ज़रिए ही आपने उसको ओपन करना होता है क्योंकि ज़ाहिर है वो सीलिंग मशीन से सील किया गया होता है ना कोई भी आपका अगर बहुत ही इंपॉर्टेंट कोई डॉक्यूमेंट है कोई लेटर है जो कि ऑफिस कॉरेस्पॉन्डेंस में आपका यूज़ हो रहा है तो ज़ाहिर है वो फिर जब आपको आपने सीलिंग मशीन से उसको सील किया होता है तो फिर आपके पास वो सील ओपन करने के लिए भी एक मशीन होती है कि जिसको हम कहते हैं कि डाक खोलने वाली मशीन। तो इसको फिर हम उसके ज़रिए खोल लेते हैं ओपन कर लेते हैं और फिर जो है ये एक डाक खोलने वाली मशीन जो है इसके ज़रिए हम उसको इंतहाई लेकिन थोड़ा सा हमें केयरफुल रहना पड़ता है कि हमारे उस जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उसके अंदर जो भी भेजे गए हैं हमें सेंड किए गए हैं तो ये ना हो कि उसको ओपन करते हुए उस सील को ओपन करते हुए किसी तरह का कोई वो वहाँ पर कोई फट जाए या वो डैमेज हो जाए तो इस चीज़ को हमें देखना होता है, ठीक है। तो ये हमारी कुछ मिसलिनियस मशीन्स थी, मुतफरिक मशीन्स थी कि जिनका इस्तेमाल जो है हम अपने ऑफिस में डेली लाइफ में करते हैं। उसके बाद देखें कि यहाँ पर आपको इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं
जिनमें आपको बताया गया है कि दो आपको यहाँ पे लॉन्ग इंशाइया दर्ज के सवाल हैं कि दफ्तरी मशीनों से क्या मुराद है और दफ्तरी मशीनों की मुख्तलिफ इकसाम जो हैं वो बयान करें, तो ये आपको यहाँ पे इन्होंने बताया है। उसके बाद देखें कुछ शॉर्ट आंसर्स हैं, जैसे सवाल आपके मुख्तसर जवाब दें, और इसी तरह से फिर आपको कसीरल इंतखाबी जो सवाल हैं वो इस पेज पर दिए गए हैं, तो ये आपने देख लेने हैं। इनको कोशिश करनी है कि आप खुद मार्क करें, क्योंकि इनको जब आप खुद मार्क करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि आपको चैप्टर की कितनी अच्छी तरीके से समझ आई है और कितना अच्छा जो है आपका ओवरऑल एक इम्पैक्ट जो है वो आपके ऊपर इस लेक्चर का गया है और कितना इजीली आपने इसको पिक किया है। ठीक है, तो ये आप खुद से भी कर सकते हैं। उसके बाद देखें जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 24 है, और चैप्टर नंबर 24 हमारा है मसलबंदी। ठीक है, मसलबंदी अगर आपके पास इंग्लिश की बुक है तो वहाँ पे ये चैप्टर नंबर 24 आप देख लें कि किस पेज पे अवेलेबल है, और इसका नाम जो है वो फाइलिंग के नाम से ये चैप्टर आपको मिलेगा, चैप्टर नंबर 24 नेम्ड एज़ फाइलिंग। और उसमें फिर हम देखते हैं कि हमारे पास जो गिवन है, इसके टॉपिक्स गिवन है, वो वन बाय वन हम देख लेते हैं कि मसलबंदी की ज़रूरत और तारीफ़ है, मसलबंदी की खसूसियात हैं यानी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलिंग है, डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फाइलिंग, इसके अलावा द बेनिफिट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइलिंग, और फिर आप देखें कि मसलबंदी की इकसाम है, मसलबंदी के तरीके हैं, उफ़ी मसलबंदी के फ़ायदे और नुकसान हैं, अमूदी मसलबंदी के फ़ायदे और नुकसान हैं। इसी तरह से ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि इस चैप्टर में हमने कवर करने हैं, और इंशाल्लाह ताला इनको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे और फिर हम देखेंगे कि हमें इस चैप्टर से बेसिकली क्या पता चलता है। तो लेट्स ओपन द पेज विच इज़ पेज नंबर 528, लाइक यू कैन सी हियर आई एम ओपनिंग पेज नंबर 528 नेम्ड, द टॉपिक नेम्ड मसलबंदी फाइलिंग सिस्टम। तो इसको हमने पढ़ना है फाइलिंग सिस्टम को, तो उसमें आप देखें कि सबसे पहले इन्होंने हमें जो इसकी डेफिनेशन दी है वो क्या दी है, और हमें डेफिनेशन क्या बताती है मसलबंदी की, कि डेफिनेशन से हमें पता चलता है कि मसलबंदी से मुराद ऐसा तरीका है कि जिसकी बदौलत तमाम कारोबारी कागजात और हदूद को बाकायदगी और तरतीब से इस तरह महफूज रखा जाता है कि ये बवक्त ज़रूरत या हवाला या किसी दूसरे इस्तेमाल के लिए बआसानी दस्तियाब हो सकें। देखें इतनी ईजी डेफिनेशन है, और इसमें ये हमें समझाने की कोशिश की जा रही है कि बेसिकली फाइलिंग क्या होती है और फाइलिंग किस तरह से की जाती है और क्यों की जाती है। देखें इस डेफिनेशन में हमें कितना क्लियर जो है वो इस चीज़ को डिस्कस किया जा रहा है कि हम फाइलिंग बेसिकली क्यों करते हैं और क्या वजह होती है फाइलिंग की और क्यों फाइलिंग जो है वो की जाती है। ठीक है, तो उसमें आप देखें कि जैसे कि इस डेफिनेशन में हमारे पास गिवन है कि उन्होंने हमें ये बताया कि ये एक बेसिकली ऐसा प्रोसेस है जो आपका फाइलिंग है, ये बेसिकली आपका ऐसा प्रोसेस है कि इसमें आप क्या करते हैं कि इसकी बदौलत जितने भी आपकी ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस होती है, आपके इंपॉर्टेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको आप एक प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ आप उनको सेव करके रखते हैं। देखिए कोई भी चीज़ है आपकी, ठीक है, हम आपकी किसी भी चीज़ की बात कर लेते हैं, आपके हम अगर आपके अगर हम एक घर की बात करें तो वहाँ पे आपके जो कपड़े वगैरह हैं या आपके जूते हैं, जो भी चीज़ है, जो भी हैफेजेड किस तरीके से पड़ी होगी, ठीक है ना, जो भी आपके चीज़ आपके कपड़े होंगे वो हैफेजेडली पड़े होंगे, तो उसका आपको किसी किस्म का कोई बेनिफिट नहीं होगा, और कितनी मुश्किल होगी आपको उसको सर्च करने में कि जो भी आपने अपनी कोई शर्ट ढूंढनी है, कोई आपने चीज़ ढूंढनी है, तो बहुत ज़्यादा जो है वो उसमें आपको मसला आएगा। लेकिन अगर वही आपने बड़े तरीके से और बाकायदा तरीके से उनको रखा होगा, मैनेज किया होगा, तो वो आप इजीली जो है उसमें से आप अपना अपनी रिक्वायर्ड चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ है कि आपने आपको वो बहुत ही बेनिफिट देगी अगर आपने अपनी चीज़ों को हैफेजेड तरीके से रखने की बजाय एक रेगुलर बाकायदा तरीके से रखा होगा। तो बिल्कुल इसी तरह से ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, कि जितने भी आपकी ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस है, ऑफिस के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं, सेल के, परचेज के, आपकी पेमेंट्स हो सकती हैं, स्टॉक इन स्टॉक आउट हो सकता है, इस तरह की तमाम चीज़ें हो सकती हैं कि जिसको फिर आपने देखना होता है, और इन सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स की में आपने कोशिश ये करनी होती है कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके तरतीब से रखे हुए हों, ताकि जब भी आपको उनकी ज़रूरत हो तो वो आपको बगैर किसी मशक्क़त और बगैर किसी मुश्किल के वो आपको मिल जाएं। ठीक है, उसी तरीके से आप देखें कि आपको नेक्स्ट जो बताया जा रहा है डेफिनेशन में, वो है कि कारोबारी रिकॉर्ड को महफूज तरीके से रखने, उन्हें फ़ौरन बिला ताखीर दोबारा हासिल करने के लिए किसी निज़ाम के तहत दर्जाबंदी और तरतीब से रखने के अमल को मसलबंदी कहा जाता है। कि आपने जब चीज़ों को सेपरेट किया होता है उनके नंबरिंग वाइज या उनकी डेट वाइज या किसी भी चीज़ के हवाले से आपने उनकी सेपरेशन की होती है और फिर आपने उनको फाइल्स में लगा कर रखा होता है, तो ये आपके लिए एक बड़ी अच्छी चीज़ होती है कि आप जब उसको दोबारा फाइंड आउट करते हैं, दोबारा उसको ढूंढने लगते हैं, तो वो आपको ईजिली मिल जाती है, उसमें फिर किसी किस्म की दिक्कत का सामना आपको नहीं करना पड़ता।
अदरवाइज़ फिर आपको बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो उसको दोबारा फाइंड आउट करने में फेस करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो ये तो हमारी फाइलिंग की डेफिनेशन थी। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो है क्वालिटीज़ क्या गिवन है। अच्छी मसलबंदी की खूबियाँ या खसूसियात जो हैं वो कौन कौन सी हैं और कौन कौन सी खसूसियात हमारे पास गिवन है, ठीक है। सबसे पहले तो देखें यहाँ पे हमारे पास अच्छी मसलबंदी की जो खसूसियत है वो आपके सामने है, आसान रसाई, कि आप जो है उसको देख सकते हैं कि एक अच्छी जो मसलबंदी है, जब आपका फाइलिंग सिस्टम एक अच्छा फाइलिंग सिस्टम होता है और बड़े अच्छे तरीके से आपने अपनी फाइल्स को मैनेज किया होता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो एडवांटेज है वो आपको ये होता है कि आपकी जो फाइल्स हैं वो आपकी उन तक अप्रोच बड़ी आसान होती है, ठीक है ना। देखें समटाइम्स जब आप फाइल्स को रखते हैं, फाइलिंग करते हैं, तो उसमें फिर आप ये चीज़ भी देखते हैं कि आपकी जितनी भी फाइल्स हैं वो इस तरह से पड़ी होनी चाहिए कि अगर डेट वाइज हैं तो डेट वाइज पड़ी होनी चाहिए। अगर आपने नेम्स के साथ अरेंज किया हुआ है कि ये मिस्टर ए की फाइल है, ये मिस्टर बी की फाइल है, ये मिस्टर सी की फाइल है, तो आपको उस तरह से आप उनको मैनेज कर सकते हैं। तो जब आपको जिस टाइम पे आपको वो रिक्वायर्ड होगी तो आप उसको इजीली वहाँ से ले सकते हैं। लेकिन अगर आप हैफ़ेज़र्डली अपनी फाइल्स को रख देंगे कि मिस्टर ए की भी ए की जगह पे पड़ी हुई है, बी की भी, सी की भी, डी की भी, इस तरह से डिफरेंट फाइल्स आपकी जो है वो पड़ी हुई हैं, और आप फिर आप लोगों को बिल्कुल भी उस चीज़ में ये नहीं होगा कि आप उनको एक जब आपको चाहिए होंगी तो फिर आपको बहुत सारा डाटा जो है पहले चीज़ों को यहाँ वहाँ करना पड़ेगा और आपको फिर बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ेगा अपनी रिक्वायर्ड फाइल को ढूंढने में। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आप अपनी तरीकों अपनी चीज़ों को जो है तरीके से और हैफ़ेज़र्ड वे में ना रखें, बल्कि आप उनको एक बड़े अरेंज्ड मैनर में रखें ताकि आपको जब आपको वो चाहिए हो, रिक्वायर्ड हो, तो ईज़िली आपको मिल जाए। इसी तरह से देखें पॉइंट नंबर 2 में हमारे साथ जो इसकी मसलबंदी की खूबी का जिक्र किया गया है या खसूसियत का जिक्र गया है वो है हिफाजत, कि फाइलिंग सिस्टम से हमारे रिकॉर्ड की भी एक सेफ्टी इंश्योर होती है। कि देखिए आप कि आमतौर पे पेपर्स अगर ऐसे ही पड़े होंगे तो वो ख़राब हो सकते हैं, गीले हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं, फट सकते हैं, लेकिन अगर आपने उनको फाइल में प्रॉपर तरीके से अरेंज करके रखा होगा तो फाइल इंश्योर्स द सिक्योरिटी ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स। अब वरना फाइल्स का मकसद क्या है, आपको क्यों बाज़ार में फाइल्स अवेलेबल होती हैं, इजीली मार्केट में फाइल्स अवेलेबल होती हैं, इसी तरह से अवेलेबल होती हैं कि उनका जो मकसद है वो यही होता है कि आपके पेपर्स या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की सिक्योरिटी को श्योर करना, ठीक है, कि आपके अगर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो कहीं से टॉर्न ना हो जाएँ, फट ना जाएँ, ख़राब ना हो जाएँ। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जो आपको फाइलिंग या मसलबंदी जो है आपको इन सारी मुश्किलात से बचाती है। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 में देखें कि हमारे साथ डिस्कस किया जा रहा है वक्त में बचत, कि आपका जो टाइम है, ठीक है ना, मसलबंदी आपके टाइम को, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप गलत तरीके से प्रॉपरली अपनी चीज़ों को मैनेज नहीं करेंगे, डॉक्यूमेंट्स को मैनेज करके नहीं रखेंगे, तो उसमें फिर ये एक बड़ी होता है कि आपके टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है, कि जब आपको कोई चीज़ चाहिए होती है, रिक्वायर्ड फाइल चाहिए होती है, तो वो फिर बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर जो है वो प्रोसेस हो जाता है, कि फिर आपने अपना ढूंढना है और फिर आपको यही नहीं पता कि वो कहाँ पड़ी होगी और कौन सा कबर्ड में रखी होगी आपने, तो ये फिर इसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो लग जाता है। तो फाइलिंग आपके वक्त में बचत का बायस बनती है, कि मसलबंदी आपके वक्त को इस तरह से बचाती है कि देखें आपको ऑलरेडी आपने मैनेज तरीके के साथ अपनी चीज़ों को रखा हुआ है। अब अगर आपको मिस्टर बी की फाइल चाहिए तो आपको पता है कि मिस्टर बी की फाइल जो है वो मिस्टर बी के रैक में मिलेगी, तो आप मिस्टर बी के रैक की तरफ जाएं और वहाँ से मिस्टर बी की जो फाइल रिक्वायर्ड है, जिस डेट की फाइल रिक्वायर है, उस डेट में आप देखें कि वो डॉक्यूमेंट्स उस डेट की फाइल में आपको मिल जाएंगे। तो इससे क्या होगा, इससे आपके वक्त में बचत होगी, आपका जो टाइम है इससे वो बच जाएगा, तो उसमें किसी किस्म की जो है वो आपको दिक्कत नहीं होगी। वरना फिर ये बड़ा ही एक टाइम रिक्वायरिंग प्रोसेस हो जाता है, कि जब आपने अपनी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं किया होता। इसी तरह से देखें 4th में वो हमें ऐसा जो चीज़ डिस्कस कर रहा है वो है जगह में बचत, कि अच्छे मसलबंदी निज़ाम में जगह कम से कम इस्तेमाल होती है, जिसकी वजह से अखराजात में कमी के अलावा ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता है। तो देखें जगह तो जाहिर सी बात है, आप उनके पास प्लेस है, आपने उसको प्रॉपरली यूटिलाइज़ करना है, तो ये भी हो सकता है कि वहाँ पर चीज़ें आप फेंक दें, जो फाइल आए उसको उस कबर्ड में फेंक दें, और ये भी हो सकता है कि हर फाइल को आप एक प्रॉपर तरीके से वहाँ पर लोकेट करें, सो दैट कि आपके पास कैपेसिटी रहे, आपके पास जगह रहे। देखें ये तो आप अपनी कपड़ों वाली अलमारी, आपकी वार्डरोब की अगर हम बात करते हैं, कि वहाँ पे कपड़े फेंकते जाएंगे, तो अव्वल तो वो आपको टाइम पे मिलेंगे ही नहीं वहाँ से, और जब टाइम पे मिलेंगे नहीं तो फिर दूसरा ये कि एक तो वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, दूसरा अगर आपने और कपड़े वहाँ पे रखने होंगे तो वो भी आपको जगह ही नहीं मिलेगी, क्योंकि फिर जाहिर है आपको पता होगा कि आपने कितने बुरे तरीके से वहाँ पे सब कुछ मैनेज किया हुआ है, तो फिर किस तरह से आप उसको जो है वो ट्रीट करेंगे। तो यही यहाँ पे भी है कि जितनी फाइल्स प्रॉपरली प्लेस्ड होंगी उतनी ही कैपेसिटी भी आपके पास ज़्यादा होगी। उसके बाद देखें कि आपके साथ जो बात की जा रही है वो है अखराजात में बचत, कि आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो कम हो जाते हैं, ठीक है ना, कि मसलबंदी का जो निज़ाम है आमदनी और अखराजात के मुताबिक होना चाहिए, क्योंकि दफातर में अखराजात में बचत को बहुत अहम समझा जाता है।
यानी आप उस तरह से फाइलिंग करेंगे जो मसलबंदी का आपका निज़ाम है वो आपकी इनकम और एक्सपेंसेस के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा हाई फाई फाइल्स भी परचेज़ ना करें, ऐसी फाइल्स परचेज़ करें कि जो एक तो चीप हों और दूसरा अच्छी हों और इतनी जगह लेंगे जितनी जिसमें फिर बहुत ज़्यादा वो आपका ये ना हो कि बड़े बड़े से फोल्डर्स आप ले लें और वो आपके कबर्ड्स में पूरे ना आ रहे हों, इस तरह का काम भी आप ना करें। उसके बाद देखें मुनासिब हजम के ये नहीं होना चाहिए, फिर वही बात आ जाती है ना कि बड़े बड़े से फोल्डर्स अगर आप ले लेंगे और वो जगह आप वहाँ पे पूरे आ नहीं रहे होंगे तो ये भी एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है चीज़ के। देखें आपके आपने अपने फोल्डर्स इस तरह से बना लिए हैं कि अब उतनी जगह ही आपके पास नहीं है और वो कहाँ पर फिर आप उसको रखेंगे, तो कोशिश करें कि इस तरह का आप उसका वेटेज बनाएं कि कम अज़ कम वो आपको पता चले कि अब बहुत ज़्यादा उसने जगह जो है वो कंज्यूम नहीं की भी, बल्कि आसानी से आप उसको वहाँ से फाइंड आउट अपनी फाइल्स को कर सकते हैं और वहाँ पे अगर और फाइल्स रखना चाहें तो वो भी आप प्लेस कर सकते हैं। वरना अगर आप बहुत मोटी मोटी सी फाइल्स यानी लंबी लंबी सी फाइल्स या फिर इस तरह के बड़े बड़े से फोल्डर्स ऊपर नीचे रख देंगे तो वो भी आपकी बहुत ज़्यादा जगह जो है वो घेर लेंगे, कंज्यूम कर लेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट देखें जो हमारे साथ डिस्कस किया जा रहा है यहाँ पर, वो है लचकदार। मसलबंदी के निज़ाम में लचकदारी होनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि आपके रिकॉर्ड में इजाफा होता रहता है टाइम टू टाइम, जैसे जैसे आपका टाइम आगे जाता जाता है, टाइम आगे गुजरता जाता है तो वैसे वैसे आपका जो मसलबंदी है उसका रिकॉर्ड जो है ज़ाहिर है वो भी आप बढ़ता रहता है। तो फिर आपकी मसलबंदी या फाइलिंग सिस्टम इस तरह से होना चाहिए कि जितना भी रिकॉर्ड हो आप इजीली वहाँ पे कर लें। उसके बाद देखिए आसान हवाला, कि उसका हवाला इस तरह का दें अपनी फाइल का कि आपको देखें, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मिस्टर ए या मिस्टर बी की फाइल है तो आपको पता होना चाहिए कि जो मिस्टर ए या मिस्टर बी की जो फाइल है वो ज़ाहिर है अगर आपने ऊपर लिखा होगा, मेंशन किया होगा कि मिस्टर ए की या मिस्टर बी की फ़ाइल है तो आप आसानी से वहाँ से उसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये चीज़ भी एक यहाँ पे बहुत मैटर करती है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए कि नेक्स्ट जो आपके साथ पॉइंट डिस्कस किया जा रहा है वो है सादगी, कि आपका जो ओवरऑल वो है एक प्रोसेस है फाइलिंग का वो सिंपल होना चाहिए ताकि इजीली आप वहाँ से फाइल फाइंड आउट कर लें। इसी तरह से देखें राजदारी, सीक्रेसी होनी चाहिए, कि मसलबंदी के निज़ाम में एक खसूसियत ये भी होनी चाहिए कि आपका जो ये निज़ाम है इसमें सीक्रेसी मेंटेन हो, ये ना हो कि कोई भी इजीली आपकी फ़ाइल्स तक अप्रोच करे और वहाँ से आपकी फ़ाइल्स जो हैं वो ले लें, या फिर किसी किस्म की आपकी जो है वो सीक्रेसी रिवील नहीं होनी चाहिए आपके इस फाइलिंग के सिस्टम से। इसी तरह से देखें वसत के मसलबंदी के निज़ाम को वसी होना चाहिए ताकि इसमें कारोबारी अमूर के मुतालिक तमाम दस्तावेज़ात मौजूद रहें और वक्त ज़रूरत आसानी से हासिल की जा सकें। इसी तरह से देखें जामियत, कि ये ऐसा होना चाहिए कि आमतौर पे इस तरह नहीं होना चाहिए कि डिफरेंट डिफरेंट आप प्रोसेस यूज़ करें फाइलिंग के लिए। कोशिश करें कि जामिया और एक ही आप तरीक़ेकार इस्तेमाल करें फाइलिंग का, जो कि सॉलिड होना चाहिए और उसमें किसी किस्म का ये नहीं होना चाहिए कि आपको आपने इतना वो डिफरेंट तरीक़ों से फाइलिंग की हुई है कि कहीं पे अब बड़े बड़े से फोल्डर्स पड़े हुए हैं, कहीं पे बड़ी स्मार्ट स्लिम सी फाइल्स पड़ी हुई हैं और कहीं पे पता नहीं आपने डिफरेंट कलरफुल सी फाइल्स ले ली हैं और कहीं पे फाइल्स हैं कहीं पे नहीं है, इस तरह का नहीं। जामिया सिस्टम आप यूज़ करें कि जो तमाम तर खूबियाँ जिसमें हों और सो दैट कि आप एक जैसा बेनिफिट जो है उनसे वो हासिल करें। इसी तरह से देखें कि जाँच पड़ताल, कि आपकी फ़ाइल्स इस तरह से मेनटेन होनी चाहिए कि उनकी जाँच पड़ताल करना जो है वो आसान हो, उसमें किसी किस्म का कोई मसला या दिक्कत पेश ना आए और आप इजीली जब आपके ऑडिटर्स आपसे फाइल्स मांगें ऑडिट करने के लिए या और किसी काम के लिए, अगर आपको फ़ाइल निकालनी पड़ रही है तो उसमें आप फिर इजीली फाइल को निकाल लें और आपको किसी किस्म की दिक्कत पेश ना आए। तो दिस इज़ फॉर टुडे, इंशाल्लाह वी विल कवर द नेक्स्ट टॉपिक इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर टुडे, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें, ऐसे ही मजीद वीडियोज के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।